हे गाइस, दिस इज़ रीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप ग्रिड मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स सी। तो ये फोटोग्राफ है जिसका मैंने प्रिंट निकाल रखा है। इसके ऊपर मैंने पहले से ही ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं 2-2 सेंटीमीटर का। चारों तरफ से मैंने सेम मार्क किया है, क्योंकि आपकी जो ग्रिड्स होगी वो एक्यूरेट ड्रॉ हो पाएगी आपसे। तो अब मैं सेम ग्रिड्स अपने पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगी 2-2 सेंटीमीटर का ही। चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर का मैं मार्क कर दूँगी। उससे क्या होगी, हमारी जो ग्रिड्स होगी वो एक्यूरेट ड्रॉ होगी, और जब हमारी ग्रिड्स एक्यूरेट ड्रॉ होगी तब हमारी आउटलाइन भी एक्यूरेट ड्रॉ होगी। सो गाइज, एक बात की ध्यान रखनी है आपको कि जब भी कभी आप ग्रिड्स ड्रॉ करना पेपर के ऊपर, तो लाइटली पेंसिल का यूज़ करना, जैसे HB पेंसिल, 2B पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल। सो मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करती हूँ आउटलाइन के लिए, और लाइंस डालने के लिए, ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करती हूँ या 2B पेंसिल का यूज़ करती हूँ। और बाकी जो आप प्रिंट निकाले हैं उस प्रिंट पे आप डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के ऊपर जो ग्रिड्स होते हैं वो हमें इरेज करनी पड़ती है। सो अब मैं दोनों लाइन को मिला दूंगी आमने सामने। हमारी लाइंस जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इससे हमारे ग्रिड्स बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। अब इसको काउंट कर लेते हैं कि जो भी जितने भी लाइंस है उसको मैं मार्क कर देती हूँ। सो गाइस, अब एक एक बॉक्सेस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कौन से फीचर्स में आइज़ है, नोज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो। बॉक्सेस को अच्छे से एब्जॉर्व करोगे तभी आपसे एक्यूरेट ड्रॉ होगी। सिक्स वाले बॉक्सेस में आइज है तो आइज को डाल देनी वहां पे। मैं एक एक बॉक्सेस को अच्छे से एब्जॉर्व कर रही हूँ कि कौन से बॉक्सेस में कौन सा फीचर्स है। अभी मैं लाइटली पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, मैकेनिकल पेंसिल जो 0.5 की है। फिर जब हमारी ग्रिड्स एक्यूरेट, जब हमारी आउटलाइन एक्यूरेट बन जाएगी तब मैं 2B पेंसिल या 3B पेंसिल का यूज़ करूँगी। सो गाइज, आप लाइटली पेंसिल का ही यूज़ करना आउटलाइन के लिए, बाकी तो आपकी शेडिंग मैटर करती है कि किस तरह से आप शेडिंग करते हो, क्योंकि रियलिस्टिक लुक आता है शेडिंग से ही। इस तरह से हमें एक एक फीचर्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है, बाकी तो आपकी शेडिंग मैटर करती है कि आप डेप्थ वाले एरियाज़ को, लाइट वाले एरियाज़ को किस तरह से शेडिंग करते हो। सो गाइस, अब मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन को डार्क करने के लिए।
मैं सेकेंड लाइन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए। वैसे आप वनली मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करना आउटलाइन के लिए, बाकी तो बाद में इरेज ही करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है फेस के एक्सप्रेशन की, किस तरह से फेस के एक्सप्रेशन को हम ऑप्ट कर पाते हैं, क्योंकि फेस के एक्सप्रेशन ज़्यादा मैटर करती है। सो गाइज, एक एक चीज़ को आप अच्छे से एब्जॉर्व करके ड्रॉ करोगे तभी आपसे एक्यूरेट ड्रॉ हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेडिंग के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से स्लोली शेडिंग करके लाइटली पेंसिल का, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके आप किस तरह से शेडिंग कर सकते हो रियलिस्टिक। सो गाइज, ये हमारी आउटलाइन लगभग कंप्लीट हो गई है। इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो सेटिंग करके, कि किस तरह से हमें शेडिंग करनी है, किस तरह से हेयर्स ड्रॉ करनी है। सो गाइज, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।